वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 34 करवाने जा रहा हूँ। ये हमारे इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 9 की, और आपका जो बुक है उसके लेसन से ली गई है द लिटिल गर्ल से। सबसे पहले हम इस स्टेंजा को अच्छे से समझ जाते हैं, उसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं हम उनको भी अच्छे से देख लेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि हमें करना कैसे है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। द लिटिल गर्ल इज अ स्टोरी अबाउट केजिया। ये कह रहा है जो लिटिल गर्ल जो स्टोरी है वो एक केजिया नाम की जो लड़की है उसके बारे में है, ठीक है। हु इज अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर, जो अपने स्ट्रिक्ट फादर से डरती है। अफ्रेड मतलब होता है डरना, ठीक है। सो ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मतलब होता है हकराना। व्हाइल टॉकिंग टू हिम, उनसे बात करने के दौरान वो स्टैमर्ड होती है, मतलब एकदम घबराने लग जाती है, हकलाने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है बच्चों। शी थॉट हिम टू बी अ जायंट साइज, वो उनको विशाल साइज का समझती है। थॉट मतलब यहाँ पे सोचना है, ठीक है। ऑन संडे, संडे का जब दिन आता है तो ग्रैंडमा सेंड हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट। तो जो ग्रैंडमा है वो केजिया को सेंट मतलब होता है भेजना, वो समय बिताने के लिए भेज देती है पेरेंट्स के पास, क्योंकि ये जो केजिया है ये अपनी दादी के पास ही ज्यादा रहती है, पेरेंट्स के पास कम टाइम बिताती है, ठीक है। तो संडे को उसकी दादी ने क्या करा, जाओ पेरेंट्स के पास समय बिताओ। बट शी फाउंड, लेकिन वो क्या पाती है, बट शी फाउंड हर फादर लाइंग डाउन ऑन द सोफा टू रिलैक्स, उसके जो पिताजी है ना वो सोफे पर लेटे हुए रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि संडे को उनको टाइम मिलता था रिलैक्स करने के लिए, तो संडे पर, संडे के दिन क्या कर रहे हैं, सोफे पर रिलैक्स कर रहे हैं। और मदर को वो क्या देखती है, मदर बिजी रीडिंग, मदर जो रीडिंग करने में व्यस्त है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। वन डे व्हेन शी वाज एट होम, एक बार जब वो घर पर थी ना, ठीक है, शी वाज एट होम मतलब घर पर, बिकॉज ऑफ कोल्ड, कोल्ड की वजह से, किसकी वजह से, कोल्ड की वजह से, ग्रैंडमा सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर अ गिफ्ट फॉर फादर, तो दादी ने बोला कि ऐसा करो तुम अपने पिताजी के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करो, गिफ्ट बनाओ। क्यों बनाओ, क्योंकि फादर्स बर्थडे, फादर का बर्थडे है। यहां तक क्लियर हो गया। शी प्रिपेयर्ड अ पिन क्वेश्चन, देखो उसने पिन क्वेश्चन बनाया, क्या बनाया प्यारे बच्चों, पिन क्वेश्चन बनाया विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ, उसने ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ से बहुत ही अच्छा पिन क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिया। अब उसमें चाहिए क्या था, नीडेड मतलब होता है जरूरत, नीडेड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जरूरत। स्क्रैप, स्क्रैप मतलब होता है तरह से कूड़ा, कचरा, तो वो उसे स्क्रैप चाहिए था उसको भरने के लिए, फिर मतलब भरना। टू सम पेपर, उसने कुछ पेपर ले लिए फ्रॉम पेरेंट्स रूम, अपने पिता माता के जो कमरे से उसने क्या ले लिए, कुछ स्क्रैप ले लिए, उससे लगा वो स्क्रैप है, उसने कुछ पेपर्स उठा लिए। उसके बाद उसने क्या करा, टोर मतलब होता है फाड़ देना, टोर देम अप टू स्टफ देम इन पिन कुशन, उसने क्या करा, उसे फाड़ दिया और पिन कुशन के अंदर स्टफ कर दिया, भर दिया। इट वाज फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, देखो जो जहां पे उसके पिताजी काम करते हैं ना वहां की एक इंपॉर्टेंट स्पीच थी वो पोर्ट अथॉरिटी की, ठीक है। When found missing the whole house, जब उसके पिताजी ने हर जगह ढूंढ मारा कि वो स्पीच के पेपर कहाँ गए, होल मतलब सारे, हाउस मतलब घर, मिसिंग मतलब होता है ना मिलना, ठीक है। Was searched मतलब जब उन्होंने ढूंढा तो उसके पिताजी को नहीं मिला। The servant जो नौकर थे, ठीक है, देखो सर्वेंट लिखा है, एक से ज्यादा नौकर थे, ठीक है। स्पेलिंग याद रखना SERVANTS होता है, कई बच्चे इसकी स्पेलिंग भी गलत कर देते हैं। And Kazias were क्वेश्चन, क्वेश्चन से पूछा गया भाई कहाँ है। फाइनली इनोसेंटली, बड़ी निर्दोषता से, बड़े निर्दोषपन से केजिया एडमिटेड दैट शी हैड टर्न देम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट, केजिया ने बोला कि मैंने उनको फाड़ा है आपको सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। फादर बीट हर विद अ रूलर, उसके पिताजी ने उसको किससे पीटा, डंडे से पीटा, बीट मतलब पीटना। शी क्राइड बिटरली, बड़ी बुरी तरह रोई, बिटरली बड़ी बुरी तरह से। केजिया क्लंग, क्लंग मतलब चिपकना, चिपक जाना, गले मिल जाना। टू ग्रैंडमा, क्योंकि देखो उसका जो अच्छा सा जो कॉन्टेक्ट था वो ग्रैंडमा से था, ठीक है, वो अपनी दादी से जो चिपक जाती है। एज शी कंसोल हर, कंसोल मतलब तो जैसे दुख दर्द बयां करते हैं, जैसे आप ही
अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपना जो दुख है वो किसको सबसे ज्यादा शेयर करते हैं, तो वैसे ही अपनी दादी को कंसोल्ट करते हैं, तो उससे चिपक जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट डोर नेबर, जो नेक्स्ट डोर मतलब कि घर के पड़ोस में जो पड़ोसी है वो कौन है, मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। देखो मैकडोनल्ड मैन है, इससे हिज लगाया गया है, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम को वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, कौन बच्चों, मिस्टर मैकडोनल्ड जो उनके पड़ोसी हैं। आफ्टर वॉचिंग हिम, जब उन्होंने उसको देखा ही में ना, तो किसके लिए लगाया गया, मैकडोनल्ड के लिए लगाया गया। वॉचिंग मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद में। कैरियर डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ फादर, तब पता लगा, डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है, तो उसे पता लगा कि अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं। वन डे मदर गोट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एक बार क्या हुआ, उसकी जो मम्मी है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। केजिया वॉज अलोन एट होम, केजिया जो थी घर पर बिल्कुल अकेली थी। द कुक एलिस टुक केयर ऑफ हर इन द डे, जो कुक एलिस है ना, केयर मतलब परवाह करना, जो दिन में परवाह करती थी मतलब ध्यान रखती थी, कौन, एलिस, लेकिन नाइट में वो अपने घर चली जाती होगी, तो एट नाइट शी वॉज अलोन, शी को किसके लिए लगाया गया, केजिया के लिए, वो लड़की है इसलिए। फादर वॉज स्लीपिंग, पापा क्या थे, सो रहे थे, ठीक है, इन अनदर रूम, दूसरे रूम में, और केजे जिस रूम में सो रही थी वो अकेली थी। तभी क्या हुआ, पुराना जो नाइटमेयर है, सपना जो है भयानक, हॉन्टेड केजे, केजे को डराने लग गया। अब बूचर, काय का सपना था वो, अब बूचर एक कसाई विद नाइफ, चक्कू के साथ, इन हिज हैंड, उसके हाथ में चक्कू है और ऐसा लग रहा था उसके पास में आ रहा है। शी वॉक अप क्राइंग, और वो उठ गई और रोने लग गई, क्या करने लग गई, उठ गई और रोने लग गई। फादर केम टू हर रूम, देखो अब चेहरा देखो यार, कितना उदास लग रहा है इस लड़की का, अब यहाँ देखो कितना स्माइल करने लग गया है। तो क्या हुआ होगा, फादर आए, ठीक है, अपने रूम से आए और हग्ड, हग्ड मतलब गले मिलना, ठीक है, और उसके बाद कैरिड हर टू हिज रूम, अपने घर में, अपने सोए कमरे में ले गए, टू कम्फर्ट, ताकि उसको कम्फर्ट मिल सके, चैन मिल सके, आराम मिल सके। शी रियलाइज, तब उसे पता चला, ही वॉज नॉट सो बैड, वो बुरे नहीं है। He was too busy to express his love. वो इतने बिजी है कि वो अपना प्यार नहीं दिखा सकते। ऐसे ही बच्चों, एक बार बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा फेथ अपने पेरेंट्स पर ही रखना, क्योंकि अगर वो गुस्सा भी आपको करते हैं तो आपके भले के लिए करते हैं। तो बहुत से बच्चे कई बार दूसरों की बातों में आ गए तो अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। तो पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं होता, तो आप उनकी हमेशा केयर करना, उनको समझने की कोशिश करना। यही कहानी हमको यही शिक्षा देती है कि पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हैज शी रियलाइज्ड हर फादर हैड अ बिग हार्ट, तब उसे पता लग गया कि उसके पिताजी का बहुत बड़ा दिल है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला है, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज, बताओ वो अपने पिताजी से क्यों अफ्रेड होती थी, क्यों डरती थी, क्योंकि वो स्ट्रिक थे। क्या डिसिप्लिन होना या हार्डवर्किंग होने से आप डरने लग जाओगे, नहीं ना, मेन वो स्टिक बहुत जा रहा थे, तो आप इसको ही टिक करोगे। नेक्स्ट है, हु ऑल वर देयर इन केजिया फैमिली, हमने जो पैसेज पढ़ी है उसके हिसाब से बताइए कि केजिया की फैमिली में कौन कौन था, मदर थी, फादर थे, ग्रैंड मदर थी, इसका मतलब ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है, टू प्लीज हर फादर, प्लीज मतलब होता है खुश करना, क्या होता है, खुश करना। अपने पिताजी को खुश करने के लिए केजिया ने क्या करा, बताओ, बोट ए बुके, उसने बुके को खरीदा, मेड अ पिन कुशन, पिन कुशन बनाया, स्टिच अ पिलो, पिलो को सिला, या प्रिपेयर टी, या चाय बनाई, तो मेड अ पिन कुशन, ठीक है। व्हेन केजिया टोर द इम्पोर्टेंट पेपर ऑफ हर फादर, जब केजिया ने इम्पोर्टेंट पेपर को फाड़ दिया, ही बिकेम, वो क्या हो गया था, वो ही किसके लगाया जाता, मेल के लिए। देखो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले आप आंसर खुद करोगे, बाद में मैच करोगे, ठीक है, और मुझे आप बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने सही करे और आपने कौन कौन से आंसर क्या दिए हैं। अगर आपके पास टाइम है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, नहीं भी बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत जरूर करना, माँ बाप का सपना पूरा करना है, ठीक है, और अपने भी। व्हेन केजिया टोर द इम्पोर्टेंट पेपर ऑफ हर फादर, ही बिकेम, बताओ वो क्या हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, डिलाइटेड हो गए थे, खुश हो गए थे, दुखी हो गए थे, या डिसअपॉइंटेड हो गए थे, गुस्सा हो गए थे तभी तो उसे मारा था, है ना। आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनल्ड, केजिया डिसाइडेड, जब मिस्टर मैकडोनल्ड को केजिया ने देखा तो उसने क्या डिसाइड करा, दैट ऑल फादर्स आर स्ट्रिक्ट, सभी पापा स्ट्रिक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट आएगा, क्या आएगा, डिफरेंट, जो यहाँ पर यूज किया गया है। देखो, प्लेड चिल्ड्रन इन इवनिंग आफ्टर वॉचिंग द केजिया
decided there are different sort of father. ठीक है, but later on Kezia realized that her father is क्या आएगा उसमें, वो loving है, caring है, affectionate है, तो सब कुछ है, all of these. ठीक है, fourth में टिक कर दो. यहाँ तक clear हो गया प्यारे बच्चों. Next है, आपसे पूछा गया है our parents और well wishers, जो हमारे parents होते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, जैसे गुरु आपका हमेशा भला चाहते हैं, आपके माता पिता हमेशा आपको भला चाहते हैं, तो well wishers में और भी कुछ आ सकता है, आपके फ्रेंड भी आ सकते हैं. मे नॉट शो देयर अफेक्शन, कई बार वो आपसे लड़ाई कर जाते हैं, आपको अपना अफेक्शन नहीं दिखाते हैं ओपनली, मतलब खुले रूप से, क्योंकि शक्ति जरूरी है. ठीक है, तो बताओ वॉन्ट टू, आपको क्या देखना चाहते हैं वो बताओ. जो पेरेंट्स हैं, जो well wishers है, वो आपको क्या देखना चाहते हैं, खुश, सेटल्ड, सक्सेसफुल, या ऑल ऑफ देम. देखो आपको खुश भी देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप जीवन में सेटल हो जाओ कहीं ना कहीं, और सक्सेसफुल हो जाओ, तो ऑल ऑफ देम. विच वर्ड इन द पैसेज इज एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम, ये कह रहे हैं डे ड्रीम का सेम जो एंटोनिम है, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा. क्या होता है उल्टा, आपको इसका अपोजिट बताना. तो लास्ट वाले का बच्चों का क्या होगा, नाइटमेयर. ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, इस तरीके से मैंने आपको सारे बता दिए. ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आज के लिए इतना बहुत है. और देखो डे ड्रीम जो है वैसे पॉजिटिव लगाया जाता है, नाइटमेयर जो होता है भयानक सपने के लिए होता है. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सारा बता दिया है. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह से मुझसे जुड़े रहना, मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली.